Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. हम 8th मॉड्यूल पैथोलॉजी का डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. देखिए आज का जो टॉपिक है वो है सिट्रस. सिट्रस की जो मेजर डिजीज है उनको हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए सिट्रस की सबसे पहली जो डिजीज है वो है गमोसिस. गमोसिस जो कि कॉज होती है फाइटोफ्थोरा पैरासिटिका से. देखिए फाइटोफ्थोरा जो है मेन स्ट्रेन है, जो पैथोजन है उसका मेन स्ट्रेन है, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, जैसे फाइटोफ्थोरा पाल्मीवोरा, फाइटोफ्थोरा सिट्रोफ्थोरा. तो ये इसकी जो है स्ट्रेन है. तो ये फाइटोफ्थोरा मेन स्पीसीज है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट ये जो है स्पीसीज है जिनके कारण कॉज होता है गमोसिस. तो ये जो है गमोसिस के पैथोजन्स हैं जो कॉज करते हैं गमोसिस डिजीज को सिट्रस में. अब देखिए इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं. देखिए सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो येलोइंग ऑफ लीव्स. देखिए ये वाला जो इमेज है कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो है अपेयर होते हैं प्लांट में. जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर की, येलो कलर के स्पॉट्स जो है लीव्स में दिखाई देते हैं. ठीक है, जब येलो कलर के स्पॉट्स अपेयर होने लगते हैं लीव्स में, उसके बाद धीरे धीरे जो है बार्क के ऊपर, देखिए बार्क के ऊपर जो है क्रैकिंग, क्रैकिंग जो है वो दिखाई देने लगती है, और क्रैकिंग के बाद सेवरल गमोसिस, सेवरल गमिंग जो होती है, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो अपेयर होने लगते हैं बार्क पोर्शन से. जो है स्टेम पोर्शन से एक गम लाइक सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट होने लगता है. देखिए ये वाला इमेज और ये वाला इमेज, कुछ इस तरह से जो है सब्सटेंस सीक्रेट होने लगता है. तो ये जो है इस डिजीज के मेन सिम्टम्स होते हैं. और धीरे धीरे जो स्टेम पोर्शन होता है वो रॉट होने लगता है, उसकी रॉटिंग होने लगती है. जो ट्री होता है उसमें ड्राइंग होने लगती है. ठीक है, और जो बाग होती है वो कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय होने लगती है, कंप्लीटली रॉट होने लगती है. उसके बाद देखिए जो प्लांट होता है वो बेसिकली जो है बहुत ही अर्ली स्टेज में जो है विदर हो जाता है, उसके टिश्यूज जो है डाई हो जाते हैं. फ्रूट मैच्योर होने से पहले ही जो है प्लांट जो है इट डाइज बिफोर दी फ्रूट मैच्योरिटी. तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं गमोसिस के होते हैं जो कि प्लांट शो करता है. ठीक है, मेनली जो गम लाइक सब्सटेंस होता है ये इसका मेन सिम्टम होता है. बाग पोर्शन में स्प्लिटिंग होने लगती है, बाग पोर्शन में जो है क्रैकिंग आने लगती है, और क्रैकिंग जहां से क्रैक्स आते हैं वहां पे ये गम लाइक सब्सटेंस जो है रिलीज होता है. तो ये इसका जो है बहुत ही मेन फीचर है गमोसिस डिजीज का. सिट्रस में ये बहुत ही मेजर डिजीज है. देखिए जो गमोसिस का मोड ऑफ स्प्रेड होता है या सर्वाइवल होता है वो सॉइल में होता है. सॉइल में जो डेब्रिस होते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं उनमें होता है, और जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वो स्प्लैश रेन वाटर, रेन वाटर के थ्रू होता है, इरिगेटेड वाटर के थ्रू होता है, और विंड के थ्रू होता है. तो ये इसका जो है मोड ऑफ स्प्रेड है, किस तरह से जो पैथोजन होता है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अगर फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए तो देखिए फेवरेबल कंडीशन जो है वाटर लॉक कंडीशन अगर फील्ड में है तो वाटर लॉक कंडीशन बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है पैथोजन के लिए. ठीक है, अगर जो ट्रंक होता है, ठीक है, प्लांट का, उसके जो है वो बहुत टाइम तक वाटर में है या वाटर के कॉन्टैक्ट में है तो वो भी रीजन होता है पैथोजन के स्प्रेड आउट होने का. तो ये सारी जो है फेवरेबल कंडीशन है. और हैवी सॉइल, हैवी सॉइल जो है, हैवी सॉइल में ये जो गमोसिस डिजीज होती है बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है. तो ये इसका मोड ऑफ स्प्रेड और फेवरेबल कंडीशंस है. उसके बाद अगर बात की जाए मैनेजमेंट की तो देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले ड्रेनेज फैसिलिटी, ठीक है, गुड ड्रेनेज फैसिलिटीज जो है फील्ड में होनी चाहिए. जो रेजिस्टेंट रूट स्टॉक होते हैं, रेजिस्टेंट रूट स्टॉक, उनका यूज किया जाना चाहिए फील्ड में. ठीक है, रेजिस्टेंट रूट स्टॉक करना चाहिए और वाटर लॉक कंडीशन को अवॉइड किया होना चाहिए फील्ड में. ठीक है, वाटर लॉक कंडीशन जो है वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए. जो ट्रंक होता है वो वाटर कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए बहुत लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक जो ट्रंक होता है वो वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए. जो इरिगेशन मेथड होते हैं, रिंग इरिगेशन मेथड, रिंग इरिगेशन मेथड जो है इफेक्टिव मेथड है ऐसी डिजीज जिन एरियाज में फ्रिक्वेंटली जो है रिपोर्ट की जाती है उन एरियाज में रिंग मेथड जो है इरिगेशन का वो अडॉप्ट किया जाता है. अदर मेथड जो है इसके, देखिए डिजीज का जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है प्लांट में,
फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट अगर इन्फेक्टेड है तो उसे स्क्रैप आउट किया जाता है नाइफ से, शार्प नाइफ से, ठीक है, और फिर उसे जो है मर्क्यूरिक क्लोराइड 0.1% या पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन 1% जो है कॉटन से उसमें जो है स्वैप किया जाता है। तो ये इसका जो है पहला मैनेजमेंट है जिसमें केमिकल यूज किया जाता है। उसके बाद सेकेंड मैनेजमेंट पे देखिए पेंटिंग की जाती है 1 मीटर ऑफ द स्टेम अबव द ग्राउंड लेवल विद बोर्डेक्स। बोर्डेक्स जो है प्लांट के स्टेम में अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जिस तरह से देखिए ये एग्जाम्पल है, ये देखिए ये अगर स्टेम है तो ग्राउंड लेवल से जो है 1 मीटर ऊपर तक जो है यहाँ पे बोर्डेक्स जो है अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए केमिकल मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। अदर स्प्रे भी किए जाते हैं, देखिए रिडोमिल का किया स्प्रे किया जाता है, रिडोमिल एम जेट, रिडोमिल एम जेट 72 जो है केमिकल है जिसका 2.75 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में जो है इसका सोल्यूशन बनाया जाता है, या एलेट यूज किया जाता है, एलेट ये भी जो है केमिकल है इसका यूज किया जाता है एट 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है। तो ये भी जो है इफेक्टिव है गमोसिस डिजीज के लिए। तो ये सारे जो मैनेजमेंट है गमोसिस के लिए किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है वो है स्कैब। स्कैब जिसे वायरोकोसिस भी कहते हैं और ये होती है इलिसिनोए फॉसेटी से, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं कुछ इस अर्ली स्टेज में लेसन्स जो है अपेयर होते हैं अंडर साइड ऑफ द लीव्स, और ये कुछ सेमी ट्रांसलुकिंग डॉट्स होते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये देखिए ये जो लीव्स में जो है ये डॉट्स अपेयर हुए हैं, देखिए ये देखिए लीव्स में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, और ये जो है फाइनली जो है ये शार्पली डिफाइंड जो है एलिवेट होने लगते हैं जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है। लेटर स्टेज में जो लीव्स होती हैं बेसिकली वो जो है लीव्स रिंकल्ड होने लगती हैं, जो ये वाला इमेज है सेकंड वाला इमेज, यहाँ पे देखिए लीव्स जो है रिंकल हो रही है और जो है डिसॉर्टेड होने लगती है, ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो चेंज होने लगता है, और फ्रूट में कुछ इस तरह के जो है डॉट्स दिखाई देते हैं फ्रूट के सर्फेस पे कुछ इस तरह के जो है। ये देखिए थर्ड वाला जो इमेज है ये जो है फ्रूट के ऊपर दिखाई देते हैं, इनको स्कैप कहा जाता है। तो ये जो है देखिए फ्रूट के ऊपर लेजेंस जो है कॉर्की प्रोजेक्शंस जो है विजुलाइज होते हैं, ये जो आपको विजुलाइज हो रहे हैं फ्रूट के ऊपर यही है कॉर्की प्रोजेक्शंस जो कि विच ऑफन ब्रेक इन टू दी स्कैप्स। तो ये जो है ये फ्रूट के ऊपर सिम्टम्स हैं। ये लीव्स के ऊपर देखिए लीव्स का जो शेप है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये डॉट्स जो है लीव्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो ये स्कैप के सिम्टम्स होते हैं। कुछ वॉटी ग्रोथ्स भी जो है फ्रूट के ऊपर दिखाई देती है, और ये जो है सारे स्कैप के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसके मोड ऑफ सर्वाइवल की, तो देखिए मोड ऑफ सर्वाइवल जो है ये ऑफ सीजन में, ठीक है, पैथोजन सर्वाइव इन ऑफ सीजन एज एस्को स्पोर्ट्स एंड स्प्रेड थ्रू कोनिडिया। देखिए कोनिडिया के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है, और ये जो है ऑफ सीजन में मतलब जिस टाइम पे जो है प्लांट अगर फील्ड में नहीं है तो उस टाइम पे भी जो है ये फील्ड में सर्वाइव करता है, मतलब अगर फ्रूटिंग सीजन नहीं है तो उस टाइम पे भी जो है ये सर्वाइव करता है। इसके जो स्पोर्ट्स होते हैं जो इसके कोनिडियाज होते हैं वो जो है फील्ड में सर्वाइव करते हैं, तो ये इसका मोड ऑफ स्प्रेड है। उसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए मैनेजमेंट में जो डिजीज होती है, डिजीज लीव्स होती हैं, ट्विक्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको जो है कलेक्ट किया जाता है फील्ड से और डिस्ट्रॉय किया जाता है, एंड स्प्रे किया जाता है कार्बेंडाजिम का 0.1% जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है इस डिजीज के लिए, स्कैब डिजीज के लिए। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है स्कैब डिजीज ऑफ सिट्रस के लिए, ठीक है। तो ये थी स्कैब डिजीज ऑफ सिट्रस। Now we'll move further. देखिए नेक्स्ट डिजीज है लेमन की, ये है कैंकर डिजीज जो कि कॉज होती है ज़ेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस। ज़ेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस सिट्री जो इसकी स्पीसीज है वो कॉज करती है कैंकर डिजीज को सिट्रस में। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली एसिड लाइम लेमन ग्रेपफ्रूट जो होता है, और ये तीनों जो फ्रूट होते हैं सिट्रस के इनमें जो है फ्रिक्वेंटली ये डिजीज जो है रिपोर्ट की जाती है, फ्रिक्वेंटली कॉज होती है, और मैंडरिन और स्वीट ऑरेंज में, स्वीट ऑरेंज एंड मैंडरिन में जो है ये रेयरली देखने को मिलती है।
तो ये जो लेमन की जो वैरायटीज होती हैं या एसिड लाइम की जो वैरायटीज होती हैं उनमें ये डिजीज जो है फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है, इवन ग्रेप फ्रूट में भी। तो इसका जो इन्फेक्शन होता है, देखिए लीव्स में, ट्विग्स में और फ्रूट्स में इसके सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं। देखिए लीव्स में कुछ इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं अपेयर होते हैं, कुछ इस तरह के जो स्पॉट्स होते हैं ये जो है लीव्स के ऊपर दिखाई देते हैं। जब इन्फेक्शन जो है स्टार्ट होता है, पैथोजन जब अटैक करता है प्लांट को, कुछ लेजन्स होते हैं सर्कुलर टाइप लेजन्स जो येलो कलर के जो है लीव्स के ऊपर अपेयर होते हैं, और फ्रूट के ऊपर भी, देखिए फ्रूट के ऊपर भी और लीव्स के ऊपर भी कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है, देखिए ये फ्रूट को इस तरह से कवर करने लगते हैं, ये लेजन जो है इस तरह से जो है प्रोड्यूस होने लगते हैं, और ये जो है ग्रिडल सिम्टम शो करने लगता है। ठीक है, ये स्टेम के ऊपर भी दिखाई देंगे, लीव्स के ऊपर भी दिखाई देंगे, फ्रूट्स के ऊपर भी दिखाई देते हैं, और इसके कारण जो फ्रूट की मार्केट वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा जो है रिड्यूस हो जाती है, ईल्ड को बहुत ज्यादा जो है लॉस होता है। ये जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स जो है फ्रूट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनको कैंकर कहा जाता है। तो कैंकर जब फ्रूट के ऊपर जो है विजुलाइज होने लगता है तो मार्केट में इनका जो है जो इनकी वैल्यू होती है बहुत ज्यादा जो है रिड्यूस हो जाती है, ये मार्केटेबल जो है नहीं रहते हैं। तो ये जो है सिम्टम्स होते हैं कैंकर के, ये लेजन्स जो होते हैं धीरे धीरे जैसे लीव्स में इस तरह से अपेयर हो रहे हैं, तो सीवियरिटी बढ़ते बढ़ते कुछ इस तरह से जो है ये दिखाई देने लगते हैं फ्रूट के ऊपर, और लीव्स को जो है ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये कैंकर डिजीज है सिट्रस की, बहुत ही कॉमनली जो है एसिड लाइम में या लेमन में या ग्रेप फ्रूट में देखने को मिलती है। इसका जो मोड ऑफ सर्वाइवल और मोड ऑफ स्प्रेड जो इसका होता है, बेसिकली विंड और रेन स्प्लैश जो होते हैं उसके थ्रू जो है ये स्प्रेड आउट होती हैं, और जो सर्वाइवल होता है इनका, जो इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं उन पे 6 मंथ तक जो है ये सर्वाइव करती हैं। और देखिए जो इंजरी कॉज होती है, देखिए पैथोजन जो है प्लांट में एंटर करता है तो वो जो है इंजरी इंजरी के थ्रू जो है एंटर करता है, वो लीफ माइनर के थ्रू, जो लीफ माइनर जो है इंसेक्ट होता है वो जो है प्लांट को डैमेज करता है जब, तो उसके थ्रू जो बैक्टीरिया होता है वो एंटर करता है प्लांट में। तो ये जो है इसका सर्वाइवल और मोड ऑफ इन्फेक्शन है, जिस तरह ये जो है इन्फेक्शन को जो है ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, उसको जो उसके जो है सर्वाइवल में, उसके स्प्रेड आउट होने में हेल्प करता है। तो ये इसका मोड ऑफ सर्वाइवल एंड स्प्रेड है। अगर फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए तो फेवरेबल कंडीशन अगर है, ठीक है, और टेम्परेचर 22-30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। और अगर पॉपुलेशन इन लीफ माइनर की पॉपुलेशन अगर फील्ड में इंक्रीज हो रही है तो दैट इज ऑल्सो द फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस डिजीज, कैंकर डिजीज, जिससे बैक्टीरिया जो है एंटर करता है प्लांट में। तो ये इसका मोड ऑफ सर्वाइवल एंड फेवरेबल कंडीशंस हैं। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले जो है जो लीफ माइनर होते हैं इसकी इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है फील्ड में। जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को जो है प्रून किया जाता है, उन्हें इमीडिएटली डिस्ट्रॉय किया जाता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। मॉनसून के ऑनसेट से पहले जो है इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को और जो लीफ माइनर होते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये इसका सबसे पहला जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। उसके बाद जब न्यू फ्लश प्रोड्यूस होता है, न्यू फ्लश जिस टाइम पे प्रोड्यूस होता है उस टाइम पे लीफ माइनर की जो पॉपुलेशन होती है उसकी इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे जो है लीफ माइनर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का जो है यूज किया जाता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का 500-1000 ppm और या फिर फाइटोमाइसिन का 2500 ppm या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% का जो है एप्लीकेशन दिया जाता है फील्ड में एट फोर्टनाइट इंटरवल्स, मतलब 14 डेज के इंटरवल्स में। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है और इम्पॉर्टेंट है लीफ माइनर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। तो ये थी सिट्रस की डिजीज, कैंकर डिजीज ऑफ सिट्रस विच इज कॉज बाय ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज सिट्रस की। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है सिट्रस की, ये है त्रिस्टेजा और इसे क्विक डिक्लाइन भी कहा जाता है, जो कि सिट्रस त्रिस्टेजा वायरस से कॉज होती है। ये एक वायरल डिजीज है, जैसे प्रीवियस डिजीज जो कैंकर थी वो एक बैक्टीरियल डिजीज थी, तो ये एक वायरल डिजीज है जो कि CTV वायरस से कॉज होती है। देखिए इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं, देखिए जो लाइम होता है, लाइम बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है इस डिजीज के लिए सीडलिंग स्टेज में भी, ठीक है, और जो है बडिंग स्टेज में भी।
इसके जो सारे रूट स्टॉक होते हैं वो ससेप्टेबल होते हैं इस डिजीज के लिए, जो ये वायरल डिजीज है इसके लिए लाइम जो है बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल होता है। मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज जो होते हैं या इनकी जो सीडलिंग्स होती है या रफ लेमन जो होता है, इनमें जो है बेसिकली टॉलरेंस जो है देखी जाती है, लेकिन जो लाइम होता है उसमें जो है ससेप्टेबिलिटी देखने को मिलती है। देखिए रूट स्टॉक जो ग्रेप फ्रूट के और सोर ऑरेंज के होते हैं वो भी ससेप्टेबल होते हैं इस डिजीज के लिए। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए कुछ इस तरह से जो है रूट डिकेइंग, रूट की जो है डिकेइंग होने लगती है और ट्विक्स जो है वो डाइबैक सिम्टम्स शो करते हैं। फ्रूट में जो है फ्रूट सेट जो है वो डिमिनिश हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ओनली स्केलेटन रिमेन्स, देखिए कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो है फ्रूट के ऊपर दिखाई देते हैं। लीव्स में कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो है ये देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये जो वायरस होता है CTV वायरस, इसके सिम्टम होते हैं। और फाइन पिटिंग इनर फेस ऑफ द बार्क एंड सोर ऑरेंज स्टॉक में जो है फाइन पिटिंग देखने को मिलती है, पिट्स टाइप जो स्ट्रक्चर जो है फ्रूट्स के ऊपर और बार्क के ऊपर जो है देखने को मिलते हैं। और जो ट्री होता है वो बहुत ही स्टंटेड ग्रोथ शो करता है, और जो फ्रूट का साइज होता है, फ्रूट का साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज होता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये CTV वायरस के सिम्टम्स होते हैं। देखिए ये एक वायरल डिजीज है तो इसका वेक्टर हो इसका जो है वेक्टर होता है, तो जो टैक्सोप्टेरा सिट्रिसीडा है ये इसका वेक्टर है, जो कि एक एफिड है। देखिए कुछ ये तीसरी वाली जो इमेज है, देखिए ये देखिए एफिड्स इस तरह से जो है ये प्लांट को कवर करते हैं, डैमेज करते हैं, और जो पैथोजन होता है जो इसका वायरस होता है CTV वायरस, वो ट्रांसमिट होता है प्लांट में थ्रू दिस वेक्टर। इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो यूज ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड वुड है, बर्ड वुड जो यूज की जाती है अगर इन्फेक्टेड है तो उसके कारण जो है ये ट्रांसमिट होता है। और इसका वेक्टर है टैक्सोप्टेरा सिट्रिसीडा, जो कि एक एफिड है। तो ये जो है इसका मोड ऑफ स्प्रेड है, इसका जो है वेक्टर है। देखिए मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट में सबसे पहले जो ससेप्टेबल रूट स्टॉक होते हैं मैंडरिन के, मैंडरिन एंड स्वीट ऑरेंज के, इनको जो है अवॉइड किया जाता है, इन रूट स्टॉक का यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए जो एसिड लाइन की जो सीडलिंग्स होती हैं, क्योंकि एसिड लाइन में जो है ये एसिड लाइन जो है बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है CTV वायरस के लिए, तो इसके लिए जो इम्यून स्ट्रेन होती हैं, जो इम्यून सीडलिंग्स होती हैं, प्री इम्यूनाइज सीडलिंग जो होती हैं उनको यूज किया जाता है। इम्यून का मतलब होता है कि इनमें एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, इन सीडलिंग में एंटीबॉडीज होती हैं जो कि जो है प्लांट को प्लांट में एबिलिटी को जो है इंक्रीज करती है टू विदस्टैंड अगेंस्ट दी दिस सिट्रस ट्रेस्टेजा वायरस, ठीक है। तो एंटीबॉडीज उसमें होती हैं, तो ये जो है इम्यूनाइज होती हैं अगेंस्ट दी ट्रेस्टेजा वायरस, तो उन सीडलिंग्स का जो है बेसिकली यूज किया जाता है। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कल्टीवार्स होते हैं, बहुत सारे जो रूट स्टॉक होते हैं वो ऑलरेडी ससेप्टेबल होते हैं, तो उन रूट स्टॉक का, उन सीडलिंग्स का बेसिकली यूज किया जाता है जिनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो हैं प्रेजेंट हों, या जो डेवलप्ड सीडलिंग्स होती हैं, डेवलप्ड रूट स्टॉक होते हैं जो इम्यूनाइज होते हैं इस CTV वायरस के लिए, उनका यूज किया जाता है। और जो ये वेक्टर होता है इसका टॉक्सेप्टेरा सिट्रिसीटा, इसकी पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है। तो ये जो है इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इज वेरी मच नेसेसरी, कोई भी वायरल डिजीज जो होती है उसके वेक्टर को जो है कंट्रोल करना सबसे पहला जो है सबसे प्राइमरी जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस होता है। तो वेक्टर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना विच इज वेरी मच नेसेसरी फॉर दिस CTV वायरस, क्योंकि ये जो है स्प्रेड आउट वेक्टर के थ्रू होता है, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स के थ्रू होता है, तो इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल को भी जो है अवॉइड किया जाता है। तो ये था ट्रेस्टेजा वायरस, जो कि सिट्रस में जो है ये डिजीज कॉज करता है, क्विक डिक्लाइन भी डिजीज को कहा जाता है। कई बार डिजीज का नाम जो है ट्रेस्टेजा ना देके एग्जाम में क्विक डिक्लाइन भी दिया जा सकता है, जो क्वेश्चन होता है उसे ट्रिकी बनाने के लिए, उसकी लैंग्वेज को डिफिकल्ट बनाने के लिए जो है यूज किए जाते हैं ऐसे टर्म। तो ये भी जो है आप ध्यान में रखेंगे कि इसे क्विक डिक्लाइन या CTV भी जो है वहां पे लिखा जा सकता है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट डिजीज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है सिट्रस की वो है आपकी एक्सोकॉटिस ऑफ स्केली बट, ये जो है वायरॉइड है। देखिए ये जो है बेसिकली प्लांट में
एक्सट्रीमली स्टंटिंग कॉज करती है, प्लांट जो है एक्सट्रीमली स्टंटेड सिम्टम्स कॉज करता है जब ये डिजीज जो है इसमें शो होती है, इन्फेक्शन जब है कॉज होता है, तो ये जो प्लांट होता है स्टंटेड ग्रोथ शो करने लगता है। देखिए जो रंजपुल लाइन होता है, ये रंजपुल लाइन को बेसिकली अफेक्ट करता है, ट्राइफोलेट ऑरेंज और जो सिट्रेंज रूट स्टॉक होते हैं इनको अफेक्ट करता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, वर्टिकल क्रैकिंग, स्केलिंग ऑफ बार्क इन द इंटायर रूट स्टॉक एरिया। देखिए कुछ इस तरह से जो रूट स्टॉक होते हैं या जो प्लांट होते हैं उनका जो बार्क पोर्शन होता है उनमें जो है इस तरह की स्प्लिटिंग दिखाई देती है। देखिए ये देखिए स्प्लिटिंग दिखाई देती है, तो ये इसका जो है मेन फीचर होता है, वर्टिकल क्रैकिंग एंड स्प्लिटिंग जो होती है बार्क पोर्शन में, दैट इज बेसिकली द सिम्टम ऑफ दिस स्केली बर्ड डिजीज। देखिए इसके जो मोड ऑफ स्प्रेड होता है, ट्रांसमिशन नॉर्मली जो है इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल जो बर्ड होते हैं उसके थ्रू होता है, वुड के थ्रू होता है और कंटेमिनेटेड टूल्स के थ्रू होता है। देखिए सिट्रस जो है, अगर बेसिकली जो फ्रूट क्रॉप्स होती हैं वो उनका जो प्रोपोगेशन होता है वो बेसिकली असेक्सुअल मोड ऑफ प्रोपोगेशन जो है यूज किया जाता है, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है बेसिकली यूज किया जाता है, जिसमें कटिंग बडिंग यूज की जाती है। तो मेनली जो इसमें सिट्रस में जो ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू बडिंग होता है। देखिए इन्फेक्टेड बड अगर यूज की जा रही है या वुड यूज की जा रही है या कंटेमिनेटेड टूल्स अगर प्रोपोगेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं तो ये जो है इसके ट्रांसमिशन का मीडियम होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए मैनेजमेंट की, तो देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले जो वायरस फ्री सर्टिफाइड बर्ड वुड्स होती हैं उनका यूज किया जाता है। बेसिकली जो प्लांटिंग मटेरियल होता है वो वायरस फ्री होना चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। टॉलरेंट स्टॉक्स लाइक रफ लेमन जो है टॉलरेंट है, तो रफ लेमन का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, पीरियोडिकली जो है बडिंग नाइफ को, देखिए टूल है बडिंग नाइफ, ये जो है बडिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इसे इसका जो है पीरियोडिकली इसको सोडियम फोस्फेट सॉल्यूशन से जो है क्लीन किया जाता है। ये एक बडिंग टूल है जो कि प्रोपोगेशन के लिए यूज किया जाता है, तो प्रोपोगेशन टूल के थ्रू जो है डिजीज ट्रांसमिट होती है, इसीलिए जो है इसको क्लीन रखा जाता है। फील्ड में वायरस फ्री जो सर्टिफाइड बर्डवुड होते हैं उनका यूज किया जाता है, जो टॉलरेंट होते हैं बेसिकली उनका यूज किया जाता है। तो ये जो है इसके लिए बेसिकली ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। और इंसेक्टिसाइड का जो है सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड जो होते हैं उनका जो है यूज किया जाता है, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है एफिड के लिए। एफिड जो है इसका वेक्टर होता है, एफिड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है इंसेक्टिसाइड का पीरियोडिकली स्प्रे किया जाता है, या जैसे ही अगर एफिड की पॉपुलेशन रिपोर्ट की जाती है फील्ड में तो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स जो है स्प्रे किए जाते हैं फील्ड में टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ एफिड विच इज द वेक्टर फॉर दिस डिजीज। तो ये थी एक्सोकॉर्टिस स्केली बट ऑफ सिट्रस। Now we'll move further towards the next disease. देखिए next जो disease है citrus की वो है greening. देखिए greening जिसे जो है Librobacter asiaticum, ये जो है इसका pathogen है, causal organism है। देखिए इसके जो symptoms होते हैं greening के, ये जो disease होती है greening disease, ये आपको जो है ऑलमोस्ट जो हर एक स्पीसीज है, हर एक वैरायटी है सिट्रस की उसमें देखने को मिलती है, हर एक रूट स्टॉक में जो है ये कॉमनली ये डिजीज जो है देखने को मिलती है। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं, स्टंटिंग लीव्स होती है, ठीक है, ट्विक्स जो है डायबैक सिम्टम शो करते हैं, पुअर क्रॉप जो है प्रीडोमिनेंटली ग्रीन हो जाती है कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह के सिम्टम्स लीव्स में कुछ इस तरह के येलो स्पॉट्स जो है दिखाई देते हैं, लीव जो है लेदरी हो जाती हैं और जो वेन्स होती हैं वो डल ऑलिव ग्रीन कलर की, देखिए ये देखिए वेन्स डल ऑलिव ग्रीन कलर की जो है दिखाई देती है। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं कुछ जिंक डिफिशियंसी टाइप के होते हैं, जिंक डिफिशियंसी में जिस तरह से लीव्स की मॉटलिंग होती है, लीव्स जो है जो क्लोरोसिस सिम्टम शो करती है, उसी तरह के सिम्टम जो हैं, देखिए जो पहली इमेज है इसमें कुछ जिंक डिफिशियंसी टाइप सिम्टम्स जो है लीव शो करने लगती है, बेसिकली क्लोरोसिस, ठीक है, क्लोरोसिस टाइप सिम्टम्स जो है शो करती है। और देखिए फ्रूट देखिए कुछ इस तरह से जो है इसमें ग्रीनिंग होती है, कुछ जो पोर्शन सन में एक्सपोज होता है वो कुछ येलो कलर का होता है और जो सन में एक्सपोज नहीं हो पाता वो ग्रीन कलर का इस तरह से जो है ये दिखाई देता है। इसमें जो जूस कंटेंट होता है फ्रूट में वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है कंपेरेटिवली टू हेल्दी फ्रूट, कुछ इस तरह से जो है अंदर से फ्रूट दिखाई देता है जो कि इन्फेक्टेड होता है, जिसमें ग्रीनिंग का बेसिकली जो है प्रॉब्लम दिखाई देता है। जो सीड्स होते हैं वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं,
और डार्क कलर के होते हैं। तो ये जो है इसके सिम्टम्स होते हैं। देखिए, जो पोर्शन सनलाइट में जो है एक्सपोज होता है उसमें ऑरेंज कलर डेवलप होता है, सॉरी, हेयर्स इज लाइट। तो देखिए, जो कलर जो है येलो कलर का होता है या ऑरेंज कलर का होता है, वो पोर्शन सन में एक्सपोज होता है, और जो पोर्शन देखिए सन में एक्सपोज नहीं हो पाता, वो इस तरह से ग्रीन कलर का ही रहता है। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो है फ्रूट के ऊपर शो होते हैं, और लीव्स के ऊपर क्लोरोटिक सिम्टम्स जो है, क्लोरोटिक का मतलब डिस्कलरेशन होता है। जो लीव्स होती है उसका जो एक्चुअल कलर होता है ग्रीन कलर, वो जो है डिस्कलर होने लगता है, फेड होने लगता है, येलोइंग होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है शो होते हैं, जो कि बेसिकली सिमिलर होते हैं जिंक डिफिशियंसी के। तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। जो जूस कंटेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं ग्रीनिंग इन सिट्रस के। देखिए, इसका मोड ऑफ स्प्रेड जो है वो इन्फेक्टेड बर्डवुड है, और वेक्टर है इसका डाइफोरिना सिट्री। डाइफोरिना सिट्री इज द वेक्टर फॉर द ग्रीनिंग डिजीज। ठीक है, ग्रीनिंग डिजीज। उसके बाद देखिए, इसके मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, तो मैनेजमेंट 500 ppm टेट्रासाइलिन का स्प्रे किया जाता है फोर्टनाइट में। ठीक है, फोर्टनाइट रिक्वायर्स फोर्टनाइट एप्लीकेशन ऑफ 500 ppm ऑफ टेट्रासाइलिन स्प्रे। उसके बाद देखिए, जो प्रोपोगेटेड मटेरियल होता है, प्रोपोगेटेड मटेरियल जो बर्ड्स होती हैं उनको जो है वो जो है इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए। इन्फेक्ट प्लांट मटेरियल जो है यूज किया जाता है, ठीक है, जो पैथोजन से फ्री हो। तो वो सारे मटेरियल जो है यूज किए जाते हैं, और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है। ठीक है, तो दैट इज इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि देखिए जो इसका वेक्टर होता है वो डाइफोरिना सिट्री जो है इसका वेक्टर होता है, जिसे कॉमनली जाना जाता है एशियन सिट्रस साइला के नाम से। तो ये जो है इसका कॉमन नेम होता है, और ये इसका साइंटिफिक नेम है डाइफोरिमा डाइफोरिना सिट्री, जो कि वेक्टर है ग्रीनिंग डिजीज ऑफ सिट्रस का। तो इसीलिए जो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना जो है वो रिक्वायर्ड होता है, नेसेसरी होता है फील्ड में सिट्री की, डाइफोरिना सिट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीनिंग डिजीज ऑफ सिट्रस।